विधानसभा चुनाव 2023 को लेके अब माहौल पूरी तरह से चरम पर है। दोनों ही पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। कुछ दिनों पहले हमने हमारे पत्रकार साथियों से बात की थी, तब वो चुनाव पूर्व की बात थी जब घोषणा नहीं हुई थी। अब चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। हमारे पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो टोंक जिला है इसकी चारों सीटों के क्या समीकरण रहने वाले हैं, क्या अब उम्मीदें की जा रही हैं, किस तरह की बात है कि अब चार सीटें टोंक के अंदर हैं, उनको लेकर किस तरह का माहौल और किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अगर टोंक के इतिहास की बात की जाए चारों सीटों की, तो दो सीटें तो ऐसी है जो सत्ता के साथ चलती आई लगभग 40 साल से, उसमें टोंक है और एक देवली उनियारा है। वहीं मालपुरा ऐसी सीट है जहाँ पर जो है 30 साल से जो है कांग्रेस का हाथ खाली है। उस सूरत में अगर बात की जाए कि सचिन पायलट के आने के बाद 2018 में जो है ये सीट हॉट सीट हो गई थी, जिला जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हॉट सीट हॉट डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा गया था। आज के हालात की बात की जाए तो पायलट ने भी 5 साल यहाँ शासन कर लिया और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये जो है जातिगत आधार पर जो है टोंक जिला देखे जाने लगा है, क्योंकि देवली जो उनियारा सीट है वो जनरल सीट है, लेकिन वहाँ पर गुजर और मीणा का मुकाबला होता है। टोंक वो सीट है जहाँ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मतदाता है, लगभग 1,20,000 अल्पसंख्यक मतदाता जिले की चारों सीटों पर हैं, डिसाइडर हैं। उस सूरत में देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनमें नाराज़गी है या वो राजस्थान में जो रिवाज बदलने का या रिवाज को कायम रखने का जो सिलसिला है उसमें साथ देते हैं, क्योंकि भाजपा जो है इस उम्मीद में है कि जो है सत्ता परिवर्तित होगी, जैसा कि 1990 से इतिहास चलाता है राजस्थान का। पायलट कहते हैं कि टोंक की जो सीट है ये हॉट सीट है, लेकिन क्या पायलट अपने 54,000 की लीड को रख पाएंगे? क्या पायलट के कहने पे या पायलट के साथ जिस तरह से गुजर गए थे कि एक भी भाजपा का विधायक न सिर्फ टोंक में बल्कि राजस्थान में जो है जीतकर विधानसभा नहीं पूछा था, तो उस सूरत में पायलट का प्रभाव कितना होता है? क्योंकि भाजपा पहले ही एक तिकड़ी जो है रमेश बिदूड़ी हो, सुखबीर सिंह जोनापुरिया हो, विजय भैंसला हो, उसको पायलट को घेरने के उतार चुकी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा चारों सीटों पर कि क्या पायलट का प्रभाव काम कर पाता है या फिर जो है पायलट का प्रभाव गुजरों में काम नहीं कर पाता। महत्वपूर्ण ये होगा, उसी से आकलन होगा कि किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, आप लगातार नज़र रखते हैं चुनाव के ऊपर, क्या उम्मीद करें कि हमारे चार सीटें हैं, सब सीटों पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या उम्मीद? हमारी टोंक के विधानसभा से देखा जाए तो सचिन पायलट पहले जो जलवा था उनका, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने उसको बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया और उनको वोट दिए गए, क्योंकि टोंक एक सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है, जिस मालपुरा भी है, मगर टोंक को देखते हुए पायलट के लिए उम्मीद है कि लोग ने जो भाजपा के लोग थे या RSS के लोग थे उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा देकर उनके बूथों से इसको टिकट वोट दिए गए थे, जिससे पायलट जीते थे। और पायलट से जो उम्मीदें टोंक जिलेवासियों ने लगाई थी वो उम्मीदों पर वो खरा भी उतरे हैं। कुछ उम्मीदें ऐसी होती हैं कि कोई से भी विधायक हो, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो पूरी नहीं कर पाते, मगर अभी वादा उन्होंने वापस किया। जो कुछ उम्मीदें टोंक के लिए छूट गई हैं उनको वो भरपूर प्रयास करेंगे और आगे आने वाले समय में कुछ बनते हैं तो वो टोंक के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, मालपुरा एक वो क्षेत्र रहा है जहाँ पर कि कांग्रेस के लिए अकाल हो गया है, 30 साल से वहाँ कोई जीत नहीं पाया। गदवारी सीट गठबंधन में दी गई, इस बार वहाँ से कन्हैयालाल चौधरी जी को तीसरी बार मैदान में उतारा गया, लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि वहाँ कांग्रेस एक नया चेहरा लेके आई है जो स्थानीय है, लेकिन इस बीच के अंदर एक स्थानीय चेहरा निर्दलीय ताल ठोकी है गोपाल गुर्जर ने, तो वहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं, कुछ क्या नया कुछ कहानी रचेंगे या वोटों का अंतर कम होगा? मालपुरा में जैसे देखा जाए ये सीट जातिगत आधार पर जाट समाज की है, पर जाट समाज के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जाटों को दे दिया। ऐसे में गुर्जर समाज जो वहाँ का दूसरे नंबर का जो मतदाता कहलाता है, जाट समाज के बाद में मतदाता के अंदर गुर्जर समाज जाता है, तो उन्होंने निर्दलीय गुर्जर समाज खड़ा हुआ। अगर कांग्रेस को ये सीट निकालनी है तो पायलट साहब की मदद लेके इस गुर्जर को बिठाना होगा। अगर ये गुर्जर नहीं बैठता है तो फिर कंट्रास्ट ये सीट बीजेपी में जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अदर समाज है और अदर समाज इस वक्त गुर्जर गोपाल गुर्जर के साथ लगा हुआ जो निर्दलीय है। अगर 27,000 वोट गुर्जर समाज ले जाता है और अदर समाज के वोट ले जाता है तो कांग्रेस को फिर 30 साल के बाद में भी ये सीट से हाथ धोना पड़ेगा। अगर पायलट साहब कांग्रेस इस सीट को निकालना चाहते हैं, कांग्रेस की झोली में लाना चाहते हैं, तो पायलट साहब की मदद इसमें ज़रूरी है। वो गोपाल गुर्जर को अगर बिठाते हैं कांग्रेस के पक्ष में तो ही कांग्रेस का बन सकता है, वरना भाजपा का यहाँ से जीतना सुनिश्चित है। लेकिन क्या कह रहा था कि मालपुरा से अभी जो संभावना है वो ये कि यदि जो निर्दलीय कैंडिडेट वो नहीं बैठते हैं तो भाजपा का जीतना तय है। देखिए, टोंक का चुनाव सबसे ज़्यादा, टोंक का मुकाबला विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा रोचक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं,
2013 के विधायक अजीत सिंह मेहता उनके सामने हैं, दोनों एक एक बार विधायक रह चुके हैं। 2018 में टिकट भी मिला अजीत मेहता को, लेकिन इन वक्त पर काटा गया, समीकरण चेंज हुए, अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए अभी क्या है, इस चुनाव में स्थानीय और बाहरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सचिन पायलट पिछली बार विधायक थे, वो पब्लिक में नहीं आ पाए, इसका उन्हें अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, हर जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता को प्रत्याशी बनाया गया है, वो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, और उनका जब पिछली बार टिकट कटा उसके बाद से वो लगातार पब्लिक के बीच में रहे हैं, इसलिए उनको जो है मतदाताओं का, आमजन का भारी स्थानीय होने के नाते बहुत क्या नाम से समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये चुनाव, इस चुनाव में पायलट साहब को जो है बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास उनका क्या लगता है? अब जैसे निवाई है, निवाई में भी क्या नाम से जो है प्रशांत जी बेरवा MLA हैं, रहे हैं, उनका अभी विरोध है, उनके वहीं से जो टिकट मांग रहे थे प्रहलाद नारायण जी बेरवा, वो रालोपा से खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी राह में रोड़ा बनेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। देवली उनियारा की बात करें, देवली उनियारा में भी जहाँ तक बात है, वैसे तो सीधे टक्कर में नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ भी एक बीच में निर्दलीय है, इसलिए वो भी मतलब अपने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं, और अंत में जनता जनार्दन है किसके पक्ष में मतदान करती है, किसको अपना राजा बनाती है, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। लेकिन क्या कहना था कि जनता जनार्दन ही राजा बनाती है, फैसला जनता के हाथ में है, यानी EVM की जो बटन दबेंगे उसके अंदर होगा। देखिए आपके RLP जो है वो मुख्य चुनौती बन के उभरी है देवली उनियारा और निवाई के अंदर, टोंक के हालात भी आप देख रहे हैं, मालपुरा के हालात भी आप देख रहे हैं, क्या कह रहा है विश्लेषण आपका? देखिए आज जहाँ तक हनुमान प्रसाद बैनीवाल की बात है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि इनका अपना जनाधार, इनका अपनी कार्यशैली जनता में कहाँ तक पहुँची हुई है, उसका क्या आधार है। मैदान में आ जाना अलग बात है, फॉर्म भर देना अलग बात है, उनका इस क्षेत्र में टोंक जिले में क्या स्थिति रही है, पहले क्या कितने काम किए उन्होंने, जिले की मांग, मालपुरा की मांग पे अगर बैनीवाल आके बैठ जाते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता दिखता है, हर जगह जातीय समीकरण है। और दूसरी बात यह है ईमानदारी की, कि जहाँ तक प्रश्न है कि कौन की हवा कहाँ है, ये समीकरण अब नित्य बदलेंगे। मालपुरा में इनकम्बेंसी है Y की, अगर डैमेज देखते हैं हम अजीत मेहता और पायलट के बीच में, तो जितना डैमेज हम ये मानते हैं कि मोमडंस कम्युनिटी या माइनॉरिटी के साथ जितना भी डैमेज दिख रहा है हमें आज की तारीख में, वो पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन उसके अनुपात में हम लगातार ये देख रहे हैं, भाजपा यहाँ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, बिदुड़ी जी यहाँ आए हुए हैं जो प्रभारी बन के आए हैं, लेकिन ना तो उनका होमवर्क नज़र आ रहा है, ना वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत मेहता जी का नाम ले रहे हैं, और अब तक जिला कार्यकारिणी उनसे दूरी बनाए हुए है, सिर्फ एक अध्यक्ष है राजेंद्र पराना, वो उनके साथ दिखते हैं, वो भी उनके साथ नहीं दिखते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आते हैं। तो जब जिला कार्यकारिणी घर के लोग ही अलग बैठे हैं, और मुझे अब तक नहीं लगा कि अजीत मेहता जी ने कोई ऐसे कदम उठाए हों कि लोगों के घर पहुंच के मान मुनव्वर की हो, या पुरानी सब बात अदावतों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश की गई हो, वो नहीं हो पाया है। तो ये बड़ा डैमेज है, चाहे अजीत जी ये समझ लें कि हम बिल्कुल विनिंग पोस्ट पर हैं, तो बहुत कांटे की टक्कर है, डैमेज दोनों तरफ से है, लेकिन कौन कितना इसको बैलेंस कर पाता है ये भविष्य बताएगा, अभी इतनी जल्दी कहना ठीक नहीं है। इस तरह की बात है कि मान मनोबल चल रही है, जो लोग निर्दलीय उतरे या जो विरोध स्वरूप मैदान में नामांकन दर्ज करने गए उनको बिठाने की कोशिश चल रही है, तो ये जो मानना मनाना है क्या ये परिणाम को प्रभावित करेगा वापस? और जो टोंक की 4 सीटें उनमें से क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें किसके पास जा रही है? देखिए टोंक में इस बार 2 सीटें आएंगी, पहले टोंक सचिन पायलट जीतेंगे, लेकिन इनको बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है, इसलिए 5 साल तो ये लोगों से संवाद करे भी नहीं, अब पायलट साहब लोगों के घर जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, रात में रोड शो कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत करीबी आदमी हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पायलट साहब मुस्लिम समाज से, ख़ास तौर पर
दूसरा अपन अभी आ जाएं निवाई, निवाई पे आ जाएं, निवाई प्रशांत बेरवा, प्रशांत बेरवा का विरोध अंदर खान में बहुत ज़्यादा है, उनसे गुजर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अगर पायलट साहब जाके वहाँ करेंगे वोट का तो जीत सकते हैं। उसका रीज़न ये है, एक आरएलपी से प्रहलाद बेरवा खड़े हो गए 2018 के चुनाव में, राम साय जो लड़े थे वापस उनको के का टक्कर है, वर्मा को दिया है इस बार 2023 में, वो रेगर समाज से आते हैं, रेगर समाज के वोट ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनकी भी सीट। हरीश मीणा को ये फ़ायदा हो रहा है, किरोड़ी बेसला आए, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं गुजरों की, मैं गुजरों के गांव में 50 साल से ये नहीं है विजय बेसला, ये आए तो उससे परेशानी आ रही। दूसरे आरएलपी की विक्रम गुजर खड़े हुए हैं, और जो विरोधी हरीश मीणा के थे इस टाइम उनके पास अपने आप आ गए, ये है। मालपुरा सीट की रहेगी बात, वहाँ पर जो गोपाल गुजर खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। देखिए, इनका कहना था कि दो जो चार सीटें हैं टोंक में, दो पे भाजपा आती नज़र आ रही है, दो पे कांग्रेस आती नज़र आ रही है। देखिए, आप पुलिस सर्विसेज से भी रहे हैं, इंटेलिजेंस में रहे हैं आप, और आप पत्रकारिता में भी सक्रिय हैं, अब तो आपकी निगाह से अगर हम देखते हैं तो क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं तो टोंक की ही बात ज़्यादा करना पसंद करूँगा, और जैसा कि मेरे भाई रामतार धवाई ने कही है कि ये जो चुनाव है इसमें मेन चीज़ है स्थानीय वर्सेस बाहरी, स्थानीय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सचिन पायलट जी की जहाँ तक बात करें बड़ा चेहरा है, लेकिन पिछले विगत 5 सालों में यहाँ के माइनॉरिटी का जो मतदाता है या उनके जो नेता हैं वो विशेष तौर से उनसे दूरियाँ रही। आज डैमेज कंट्रोल के लिए पायलट साहब उनके घर जा रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं, जैसा कि आज मॉर्निंग में जो हुआ है, दो बागी जो बीजेपी के थे, नईमुद्दीन अपोलो एंड मोइन रशीद कांग्रेस के, उन्होंने आज कर लेंगे विड्रॉ, उन्होंने मैनेज कर लिया। यहाँ जो मेन चीज़ है वो है अल्पसंख्यक मतदाता, जो लगभग 70,000 के करीब है। कांग्रेस यहाँ टोंक से तब हारी है जब जब अल्पसंख्यक मतदाताओं ने उनके खिलाफ मतदान किया। 3 बार जकिया जी हारी हैं, वो इसीलिए हारी हैं कि मुस्लिम मतदाताओं ने उनका साथ नहीं दिया। आज भी भले कितना ही कुछ हो, यदि मुस्लिम मतदाताओं ने पायलट पर भरोसा एक बार जता लिया तो पायलट को शायद हराना बड़ा मुश्किल होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मेहता जी का बहुत अच्छा है, मेहता जी जमीन से जुड़े हुए आदमी है, कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन वह जैसे समीर भाई ने कहा कि संगठन साथ नहीं है, और कोई यह भी सुनने को नहीं मिला है कि मेहता जी फला जगह जाकर के किसी को रूठे को मनाया हो। वो अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित हैं, ये शायद उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जहाँ डैमेज कंट्रोल सचिन पायलट कर रहे हैं, मेहता जी उससे काफ़ी दूर हैं, वो किसी घर नहीं जा रहे। लेकिन इनका कहना था कि जो डैमेज कंट्रोल में जिस तरह के सचिन पायलट ने प्रयास चालू किए, उनको सफलता मिली, पिछले 1-2 महीने से लगातार सक्रिय हैं वो, ये बीजेपी नहीं कर पा रही है। देखिए, बार बार बात ये आती है कि सचिन पायलट चाहेंगे तो ये हो जाएगा, सचिन पायलट चाहेंगे तो वो हो जाएगा, तो सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान दें या जो अन्य 3 कैंडिडेट हैं उनका बोझ खुद धोएं वो, क्या कहेंगे? सचिन पायलट को अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी थी वो पूरी तरह समाप्त होती नज़र नहीं आई। हालांकि उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े हुए थे डैमेज कंट्रोल कर लिया है, तो उसके हिसाब से वो मजबूत हो गए हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पर तो मजबूती से है, लेकिन तीनों जो सीटें हैं ज़िले की वो कांग्रेस से छोड़कर जो आरएलपी में गए हैं वो अगर त्रिकोणीय संघर्ष बनाते हैं तो वो तीनों सीटें कांग्रेस को मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या समीकरण रह सकता है? 3-1, 2-2? 1-3 का समीकरण रह सकता है अगर डैमेज कंट्रोल कांग्रेस ने नहीं किया। टोंक की सीट को तो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर ये मजबूत भी मानी जा रही है, लेकिन वो तीनों सीटों पर अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ और त्रिकोणीय संघर्ष रहा तो तीनों सीटों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो देखिए, इनका कहना था कि त्रिकोणीय संघर्ष में जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट आए हैं वो सशक्त आए, जो आरएलपी के अंदर भी आए हैं या जो निर्दलीय आए हैं। क्या कहेंगे यहाँ के हालात, निवाई के हालात, मालपुरा के हालात और देव दुनियारा के हालात, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल जाती है? देखिए, हम बात करते हैं टोंक से। सबसे पहले जो टोंक को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ,
एक मुख्यमंत्री की दावेदारी का चेहरा टोंक को दिखा, उसके बाद माइनॉरिटी में या अन्य जातियों में सम्यक रुझान पैदा हुआ कि भाई आज हमें टोंक को कुछ मिलेगा। रेल मुद्दा है, अन्य रोज़गार की बात करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर एक ईसुजी गारमेंट फैक्ट्री चला करती थी जिसमें 400 से 500 लोगों को रोज़गार मिला करता था। एक रोज़ाना सुबह घंटाघर पर 8 बजे 7 बजे मंडी लग जाती है, एक नौशे मियाँ के पुल पर जो मजदूरों की मंडी लगती है उनकी जो उम्मीदें हैं उनको एक भरोसा था कि हमें एक ऐसा रोज़गार मिल जाएगा, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज मिल जाएगा, लेकिन 5 सालों में उनको ये चीज़ें मायूसी देखने को मिली। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पायलट वापस मुख्यमंत्री बनते हैं तो शायद कुछ इनको रोज़गार की उम्मीद दिख सकती है इस टोंक के अंदर। और रहा सवाल निवाई का, निवाई हुआ, मालपुरा हुआ, देवली उनियारा हुआ, इस तरह पर भारी अंदरूनी जो विरोध चल रहा है उसके लिए तीनों सीटों को भारी खतरा है इस टाइम। देखिए, जो कैंडिडेट आए हैं क्या वो ये विज़न लेके आए हैं कि वो टोंक के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किन मुद्दों को लेके वो बात करेंगे, क्या लग रहा है कोई विज़न है? देखो, पीछे कोई मुद्दा, इसलिए यदि पिछले चुनाव को देखा जाए तो पायलट साहब ने वादा किया था चमचमाती शहरों की, बड़े शहरों की तरह सड़कें होंगे, इंडस्ट्रीज लगेगी, लेकिन वो जो हो पाया वो हो नहीं पाया। रेल का मुद्दा चाहे रेल का मुद्दा ले लिया जाए, बार बार कहा जाता है रेल का मुद्दा केंद्र सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर सहमति नहीं दी कि एक तो उसमें मुआवजा रहता है कि भाई जो जमीन भूमि वापस होगी उसका मुआवजा, रेल के ऊपर जो लागत आएगी उसका आधा खर्चा, इस प्रकार कोई मुद्दे वर्तमान में ऐसा है नहीं। जहाँ तक है इनकी बात, वर्तमान में जो है जातिगत राजनीति सबसे बढ़िया भी रहने वाली है। उदाहरण के रूप में तीन जगह जो गुजर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, टोंक में जो सचिन पायलट हैं तो एक जाति विशेष का वोट बैंक उनका सुरक्षित है, दूसरी आप उनियारा देख लो, उनियारा में विक्रम गुजर हैं और वो हैं तो बेसला वहाँ पर गुजर समाज के वोट ले जाएंगे, भाजपा परंपरागत वोट तो हैं। इसी प्रकार देवली और इसमें निवाई देख लें, निवाई पीपलू में पहला नारायण बेरवा सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो है जो रालोपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार वहाँ देव मालपुरा और टोडा है, वहाँ पर भी गोपाल गुजर है, तो जातिगत राजनीति इसमें सबसे ज़्यादा हावी रहने वाली, जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली। ये थी हमारे पत्रकारों की महत्वपूर्ण राय, जिनका कहना था कि जिस तरह के हालात अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रचार चल रहा है उससे पहले नज़र आ रहे हैं कि दो सीटें भाजपा को मिलती नज़र आ रही हैं, दो सीटें कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। परिणाम मतगणना के बाद ही पता पड़ पाएंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल पाती हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।